हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मल्टू गेमिंग चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ नाइट फॉर गेमिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम नाइट राइडर 001 गेमिंग से नाइट फॉर गेमिंग हो चुका है। तो आपको ये नाम कैसा लगा, नया वाला नाम कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस, यहाँ पे नया वाला अपडेट आ चुका है फ्री फायर मैक्स का। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी कि ये जो अपडेट था मुझे डायरेक्ट से प्ले स्टोर पे, किसी को भी प्ले स्टोर पे दिखा नहीं, तो हमें ये गेम पहले अनइंस्टॉल करना पड़ता है, फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों किया फ्री फायर वालों ने, वो मुझे पता नहीं। तो गाइस, आपने अभी ये मैजिक क्यूब का जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने वो क्लेम नहीं किया होगा तो क्लेम कर लीजिए। आपको वो क्लेम करने के लिए 15 मिनट्स फ्री फायर मैक्स खेलना पड़ेगा, देन आप वो उसको क्लेम कर पाओगे। और फिलहाल आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अच्छा बंडल नहीं है मैजिक क्यूब के लिए। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कौन से बंडल्स है, लेकिन अभी तो फिलहाल ज़्यादा बंडल्स नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो अच्छा वाला बंडल आने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप मैं अभी परचेस नहीं करूँगा। मुझे बहुत से अभी यहाँ पे बंडल ओपन करने हैं, यहाँ पे बहुत सारे बंडल अभी मुझे डाउनलोड करने हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने जो गेम है वो इंस्टॉल किया है। और सीजन रैंक जो छोटे छोटे मैचेस होते हैं रैंक मैचेस, वहाँ का पूरा अपीयरेंस चेंज हो चुका है, सीज़न 13 आ चुका है। और ये तो मुझे पूरा का पूरा अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोडिंग पे है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत पूरा का पूरा डाउनलोड करने के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आपको सब कुछ वहाँ पे दिखाऊँगा कि फ्री फायर मैक्स में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हो अपीयरेंस, ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ से आप ये जोकर वाला जो बंडल है आप वो परचेस कर सकते हो। जो हीरो टोकन्स आपको मिलते हैं वहाँ से आप वो एक्सचेंज करके वो परचेस कर सकते हो। तो सीज़न 12 में हमने मास्टर पे एंड किया था, अभी हम सीज़न 13 पे डायमंड 2 पे आ चुके हैं। तो होप्स हो कि इस सीज़न में भी मैं मास्टर जा पाऊँ और मेरा ये कंटिन्यूस 7th हीरोइक सीज़न रहे। और गाइज, यहाँ पे कुछ नया अपडेट्स के साथ में मैं यहाँ पे डाउनलोड के लिए डाल दिया हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद में एक और वीडियो बनाएंगे उसके बाद में। और यहाँ पे एक और अपीयरेंस देखने को मिला हमें, लेजेंडरी आउटफिट जो अलग से खुलता है। यहाँ पे हमारे पास में एक भी आउटफिट नहीं है बोया डे का, ना कोबरा का, ना ही रैम्पेज का, लेकिन उससे भी थोड़े से अच्छे अच्छे बंडल्स तो है जो खेल सकते हैं हम पहन के। हमें सिर्फ गेम एंजॉय करना होता है, हमें ज़्यादा परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्री फायर अभी बहुत सारा दान में दे रहा है, बहुत कुर्बान हो रहा है फ्री फायर, तो हमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 10-10 डायमंड्स में या तो फिर 20-20 डायमंड्स में, कभी कभी वो इवेंट्स में टॉपअप के लिए भी दे देता है, तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बात की जाए लॉबी की, यहाँ पे तो मेरी सिंपल सी लॉबी दिखेंगी, क्योंकि अभी मैं डाउनलोडिंग पे डाल चुका हूँ सबके सब। जो मेरे गन्स दिख रहे हैं वो भी गन्स अभी अपग्रेडेड नहीं है, जो स्किन्स है वो अभी भी डाउनलोडिंग पे है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें स्कैम जैसा दिखेगा, क्योंकि जो मास्टर पे उन्होंने इमोट रखा है वो सिर्फ 60 डेज़ के लिए दिखेगा तुम्हें, 40 डेज़ के लिए या तो फिर 30 डेज़ के लिए शायद से, वो उतने दिन के लिए दिखेगा, लेकिन उसके बाद में वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको स्कैम जैसा लगेगा। तो बाकी सब तो ठीक है यहाँ पे, अभी हम ये एक एक करके तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एक ओपी वाली स्किन आ चुकी है एम्ब्रोजा की, जो कि ओपरेंडो है, और बहुत ही खास कमाल की ये स्किन दिखेगी, जो आपको आगे जब तुम रैंक पुश करोगे तो आपको ये आगे आगे मिलती जाएगी, आगे आगे अच्छे अच्छे रिवार्ड्स आपको वहाँ पे अवेल होते जाएंगे। तो यहाँ पे तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी अभी तक खेल नहीं रहे हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता हो पाता है। हमारी स्क्वाड भी रेडी हो रही है, स्क्वाड में मेरे बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, तो उनके साथ में खेलना पड़ेगा, उनके साथ में मुझे थोड़ा सा फिर अच्छा लगेगा खेल के। और यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल सा है। और गाइज, यहाँ पे मुझे बताने कि ये फ्री फायर मैक्स वालों ने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट अपडेट वो प्ले स्टोर पर दे सकते थे, लेकिन उनको शायद से डाउनलोड ज़्यादा दिखाना हो, इसलिए उन्होंने उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की कोई जो क्या बोलते हैं उसको, कोई तो भी उनकी चाल होगी या तो फिर कोई तो भी उनका स्कैम किया होगा। तो गाइज़, यहाँ पे तो देखा जाए अगर तो यहाँ पे अच्छे अच्छे इवेंट्स आए हैं, तो आप जल्द से जाके अवेल कर लीजिए। अगर अवेल नहीं किया है तो फिर मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में अवेल कैसा करना है। तो ये रेनबो समर बंडल जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो मुझे अभी तक के मिला नहीं है, तो पता नहीं कहाँ कब मिलेगा। और यहाँ पे ये मोको वाला स्टोर भी खुल चुका है, यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया इमोट्स आए, ये बढ़िया बढ़िया गन्स आए और बढ़िया बढ़िया
बंडल्स भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ये डायमंड्स तो मैं अभी वेस्ट करने के लिए, मेरे पास डायमंड नहीं है, तो मैं ये बाद में टॉपअप करूँगा डायमंड्स। और एक और डायमंड टॉपअप का जो आया है, तुम अगर 100 डायमंड्स टॉपअप करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस आपको 100 डायमंड्स मिलेंगे, मीन्स आपके पास में 200 डायमंड्स स्टोर हो जाएंगे। अगर आप 80 रुपीस के 100 डायमंड्स लोगे तो आपको प्लस बोनस करके और 100 डायमंड्स आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये आपने देखा होगा फ्री फायर में, तो फ्री फायर तो नहीं है अभी, तो फ्री फायर मैक्स ही खेलना पड़ेगा। जो जो बंदे फ्री फायर मैक्स खेल सकते हैं वो गाइस जल्दी जाके अवेल कर लीजिए। यहाँ पे M14 की भी लेजेंडरी स्किन आ चुकी है, लेकिन वो अवेल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में टिकट्स की कमी है। तो गाइस यहाँ पे मैजिक क्यूब में अगर देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ बंडल तो है नहीं, तो आप थोड़ा सा रुक कर ले सकते हो। अभी मैजिक क्यूब का यूज़ मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, और एक मैजिक क्यूब आए तो फिर अच्छी बात हो जाएगी, तो वो बाद में आप यूज़ कर सकते हो। और गाइस फिर से हम आते हैं यहाँ पे अपीयरेंस में, ये वाला सीज़न 27 शुरू है। यहाँ पे हम बी आर रैंक में हैं, तो बी आर रैंक में भी अगर देखा जाए तो मास्टर पे इन्होंने अच्छे खासे तो रखे हैं थोड़े बार, पता नहीं मैं ग्रैंड मास्टर पहुँच पाऊँगा या नहीं, अगर पहुँच गया तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। ट्राई करूँगा अगले सीज़न में कि हार्ड पुश हो पाए, बट टाइम नहीं मिलता है तो फिर हो नहीं पाता है। और हम यहाँ पे अगर सीज़न 13 में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये इमोट सिर्फ 60 डेज़ के लिए है, 60 डेज़ के लिए इमोट रहेगा। ये बहुत ही अच्छा वाला इमोट है यार, ये अगर परमानेंट रहता तो फिर अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये परमानेंट नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने शौक के लिए रखा है कि लोगों को दिखाना चाहिए कि देखो भाई हमने ये इमोट लाया है। पता नहीं यार ये क्यों ऐसा करते हैं, हमेशा ही हमारे साथ में स्कैम करते हैं। थोड़ा सा फिर अच्छा कुछ करना चाहिए इन्होंने, जिससे गेम और भी बिल्डअप अच्छे से हो। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ गन्स मेरी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, गन के स्किन्स। अगर यहाँ पे फिर से देखा जाए, फिर से आते हैं हम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर, तो हम पुश नहीं कर पाएंगे, मास्टर ही पुश कर पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी गिरती है। एक ना एक दिन हम वहाँ पे चले जाएंगे ग्रैंड मास्टर पे, तो कोई नहीं गाइज, सबर सबरी का फल मीठा होता है। जैसे ही हम पहुँचेंगे वैसे ही एक वीडियो बनाएंगे ग्रैंड मास्टर का, जब पहुँचेंगे तब तक के पता नहीं क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही ओपी वाला अपीयरेंस आ चुका है। तो गाइज आपको ये वाला अपीयरेंस कैसा लगा, ये वाला अपडेट कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत धमाल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गेम प्ले डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे। और गाइज ये वीडियो को जो भी देखेंगे प्लीज़ लाइक करिए, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और गाइज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।